हरिओम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तभी सुबह का बज रहा है 6:30 और मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, तो अभी चलते हैं रोड में और ऑटो बैठते हैं, कॉलेज जाते हैं और आप लोगों से कॉलेज जाने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग का कॉलेज छुट्टी हो गया और कॉलेज के बगल में ही मेला लगा हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा घूमते हैं मेला, उसके बाद घर चलते हैं। दोस्तों, भी थोड़ा मोड़ा मेला घूम लिया तो अब घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ। चलिए अब मैं ड्रेस चेंज करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। दोस्तों, अभी ड्रेस चेंज कर लिए हैं तो अभी खाना खाने चलते हैं नीचे। आज कॉलेज के बगल में ही मेला लगा हुआ था तो वहाँ पे भी गए थे घूमने के लिए, तो थोड़ा मोड़ा वहाँ पर घूमे, तो उसी का मैं आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ब्लॉग दिखाया हूँ। तो अभी नीचे चलते हैं और खाना खा कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और आज खाना में दाल भात और आलू का भुंजिया बनाया है, तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों, कॉलेज से आने के बाद मैं एक स्केच स्टार्ट किया था और वो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। यही वो स्केच है जिसको अभी मैं कम्प्लीट किया हूँ और इसे बनाने में मुझे पूरा 3 घंटा का समय लगा है और अभी देख सकते हैं पूरा रात हो गया है। अभी ये पूरा स्केच कंप्लीट हुआ है, पूरा देखिए टेबल का हालत क्या हो गया। अभी मैं स्केच बना रहा था यहाँ पर, पूरा देखिए पेंसिल का ग्रेफाइट नीचे गिर गया है, जो मैं पेंसिल शार्प किया था, कटर का सारा डस्ट नीचे गिर गया है, तो इसको साफ करते हैं अभी। और ये स्केच आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। KGF का स्केच बनाया हूँ मैं, रॉकी भाई का। इस स्केच को मैंने पूरा चारकोल पेंसिल से बनाया है, देखिए सभी जगह चारकोल पेंसिल से मैं बनाया हूँ। केवल फेस में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया हूँ और थोड़ा सा हाथ में जो लाइट पार्ट दिख रहा है वो केवल ग्रेफाइट है, नहीं तो पूरा हम देखिए चारकोल से ही मैं इस स्केच को कम्प्लीट किया हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में इतना ही था, तो इस ब्लॉग को मैं यही पेंट करता हूँ। तो जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करे और कमेंट करके बताए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे करके न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।